अध्यापक जिहड़ा है वह किसी भी देश का भविख हुंदे ने, ते इस करके उन्होंने कौम के निर्माता कहा जाता है, नेशन बिल्डर कहा जाता है। दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ते साड़ी टीम जदों पंजाब दे विच चोणां वेले प्रचार कर रहे सी, तां असीं लोकां नाल वादा कर रहे सी कि असीं पंजाब दे सरकारी स्कूलां दे टीचरां नूं, अध्यापकां नूं, प्रिंसीपल्स नूं असीं विदेशां दे विच वधिया ट्रेनिंग जिहड़ी आ दवा के उन्हां नूं इत्थे जिहड़ी आ चंगे तरीके नाल पढ़ाउण दे जिहड़े महारत हासिल करवावांगे। तो इस सिलसिले दे विच साडा पहला बैच जिहड़ा 36 प्रिंसीपल्स दा, सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसीपलों का पहला बैच सिंगापुर जा रहा। मैं ये दसद्या बड़ी खुशी हो रही है कि सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसीपल जिहड़े ने वो 4 फरवरी सिंगापुर ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, तो 6 फरवरी तो लैके 10 फरवरी तक उन्हों का प्रोफेसनल टीचिंग ट्रेनिंग सैमीनार होगा, जिथे उन्होंने पढ़ाने के नवे नवे तरीके, लेटैस तरीके जिहड़े ने आधुनिक तकनीकों किवें पढ़ाया जाता है वो जिहड़े उन्होंने सिखाए जाएंगे। तो 11 फरवरी ये सारे वापस आ जाएंगे पंजाब, तो मैं उम्मीद है कि इन्हां दे सिंगापुर के तजर्बे तो लखां विद्यार्थियों का जिहड़ा भविख है वो सुनहरा बनाउण दे विच सानू मदद मिलेगी। जदों सिंगापुर तो आ के ये टीचर अपने कुलीग्स नाल ते अपने विद्यार्थियों नाल अपने तजर्बे सांझे करनगे, तां अरविंद केजरीवाल जी जिन्हां ने देश दे विच सिक्ख्या दे मामले च क्रांति लियाउण दा सुपना सजोया होया वह भी साकार होगा, तो पंजाब भी विद्या दे खेत्र च अपना अलग ते अव्वल स्थान जिहड़ा वह हासिल करेगा। पंजाब सरकार वल्लों प्रिंसीपलां दा एक डेलीगेशन सिंगापुर भेजे जा रहे, वैसे तो सानू कोई इतराज नहीं है, सीखण वास्ते किते भी किसे नूं भेजा जावे चंगी गल, पर मैं मुख्यमंत्री साहब नूं पुछना चाहुंना कि तुसीं दिल्ली दे मॉडल दा बहुत वड्डा प्रचार कीता सी, हुण पंजाब दे विच्चों अध्यापकां नूं दिल्ली भेजण दी तुहाडी हिम्मत क्यों नहीं पै रही? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫਰਾਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ